मिनी कॉइन बैग बनाने के लिए हमें चाहिए गोल्डन कलर की डोरी, और जिस फैब्रिक का आप बनाना चाहते हैं फैब्रिक, आप फैब्रिक कोई सा भी ले सकते हैं। हमें पेस्टिंग वाले पेपर लेनी है और अस्तर लेना है मैचिंग का। जो शेप आप कटिंग करना चाहते हैं मिनी कॉइन बैग के लिए, आपको पहले पेपर पे कटिंग करना है ताकि आप देख सकें कि आप जो शेप बनाना चाहते हैं वो परफेक्ट आया है कि नहीं आया है। फिर हमें ये शेप को पेस्टिंग वाले पेपर पे कट करना है और हमारा ये जो मेन कपड़ा है उस पर प्रेस करके चिपका देना है। और एक हमें इसी माप का अस्तर जो हमने काटा है, और हमें चाहिए बूटी, आप बूटी कोई सी भी ले सकते हो, इस तरह की रिंग और दो कलरफुल मोती। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे ये जो मेन कपड़ा है हम उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे अस्तर रखकर हम इसके एक तरफ गोलाई है और एक तरफ सीधा है, जो जिस तरफ सीधा है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिच करना है। इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है, अब यहाँ पे कट लगाएंगे। और अब इसे हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। इसी तरीके से हमें अपने दोनों पीस रेडी करने हैं। अब अंदर की तरफ हमारा मेन कपड़ा रखकर हमें नीचे की तरफ सिलाई लगानी है, और यहाँ से हमारा खुला रहेगा, हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई करके अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है, अपनी इस कॉइन पर्स को सीधा करना है। इसका पॉइंट अच्छे से बाहर निकाल लीजिए। अब हमें यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा खुला है, अब हमें ऊपर इतना ही खुला रखना है जितना हम इसमें कॉइन डाल सके, उतना ही इसका खुला रख के हमें इसके दोनों तरफ सिलाई लगानी है। हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और इतना हिस्सा हमने खुला छोड़ा है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। गोल्डन कलर की डोरी लेंगे, इसको अपने फिंगर्स पे इस तरीके से लपेट लेंगे करीबन 30 बार। फिर छोटा सा हम धागा लेंगे हम गोल्डन कलर का ही, और यहाँ पे इसके सेंटर पे हम बांध देंगे इसे अच्छे तरीके से। नोट हमें हमेशा डबल टेबल लगानी है ऊपर। अब हमें नीचे से कट करना है। और यहाँ पे नॉर्मल धागा लेके हम इस तरीके से यहाँ पे धागा बांध देंगे, और इस तरीके से हम गोल्डन कलर की टसर रेडी करेंगे। एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे और इसे हम नीचे से साइज कर देंगे। अब हम इसमें अटैच करेंगे, नीचे ये अटैच करेंगे, बीच में हम अपनी ये बूटी है वो लगाएंगे, और ऊपर हम इसका ये हैंडल लगाएंगे। इसके सेंटर में अटैच कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ और कुछ भी डेकोरेट कर सकते हो। डबल नोट लगा देंगे नीचे। यहाँ पे रिंग लगाने से पहले हम सुई में थोड़े से मोती डाल देंगे गोल्डन कलर के, और अब इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये मैंने इसलिए लिए ताकि हमारा यहाँ पे धागा दिखाई ना दे, यहाँ पे हमें इसे पक्का करना है।
इस तरीके से हमारा यहाँ पे धागा दिखाई नहीं देगा। अब इसके सेंटर में हम ये बूटी चिपका देंगे। यहाँ पे हमने बूटी चिपका दी है। अब यहाँ पे हमें एक प्रेस बटन लगाना है ताकि हमारा कॉइन बाहर नहीं निकले। मैंने यहाँ पे प्रेस बटन लगा दिया है। अब इसमें कॉइन आप डाल सकते हैं। आपका मिनी कॉइन बे बनके तैयार है। इसे आप और भी डेकोरेट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।